हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे टूल्स जो कि मैं सिलाई के दौरान यूज़ करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और कि ये वाला जो मेरा चैनल है स्पेशली बिगनर्स के लिए है। मैं इस चैनल पे आपको वैसे सिखाऊंगी जैसे मैंने खुद ने सिलाई सीखी है, बट आप थोड़ी सी एडवांस लेवल पे अगर वीडियो सीखना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है नूर फैशन वर्ल्ड, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी जो आपके फ़ायदे के लिए बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का भी बटन है जिसको भी दबा लें तो मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टूल मैं दिखाती हूँ जो कि सिलाई के दौरान बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारा मेजरिंग टेप। तो फ्रेंड्स, इस मेजरिंग टेप का कैसे आपको समझना है इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, तो उसके लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी तो आप क्लिक करके देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है सिलाई में जिससे हम नापते हैं। और दूसरी हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कैंची, और ये है स्केल, ऐसा ही बड़ा स्केल भी आता है, तो ये बड़ा स्केल है। और उसके बाद ये वाला स्केल जो कि हम कपड़ा सीधा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे मैं इनकी वीडियोस बनाती जाऊंगी, इनके यूजेस भी आपको बताती जाऊंगी आगे वीडियोस में। उसके बाद ये वाला स्केल है जो हमारा पैंट या प्लाजो में यूज़ होता है स्पेशली, और जो कुर्ती की फिटिंग देते हैं उसके लिए भी शेप देते हैं इससे। और हमारा एक ये, इसको हम ट्रेसिंग व्हील बोलते हैं, जैसे एक कपड़े पे आपने निशान लगाया है तो अगर उसके नीचे एक और कपड़ा है तो उस पर कैसे निशान लगाएंगे, तो उसी निशान पे आप इसको प्रेस करेंगे तो उस पर भी निशान आ जाते हैं। तो आगे तो मैं वैसे यूज़ बताती रहूँगी अपनी वीडियोस में इनको यूज़ कर करके। और उसके बाद है ये, तो फ्रेंड्स उसके बाद आती हैं ये पिंस, ऑल पिंस हैं ये, इस तरीके से जैसे कई बार बिगनर्स होते हैं जिनको ऐसे हम लोग सिलाई करते हैं तो जैसे दो कपड़े लेके हम एक साथ सिलाई कर रहे हैं तो कपड़े खिसक जाते हैं, पर आप इससे एक बार उसको पिनअप कर लेंगे और फिर सिलाई करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। तो ये है हमारा टूल। उसके बाद ये है आर्म होल टूल, इससे हम नेक में गोलाई दे सकते हैं और आर्म्स में जो गोलाई आती है वो लगा सकते हैं इससे। और उसके बाद है ये है थ्रेड ओपनर, तो इससे जैसे सिलाई गलत लग जाती है तो इससे बहुत ही आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये चौक जो कि हम कुर्ती पे या किसी भी कपड़े पे निशान लगाते हैं इससे, और उसके ऊपर कटिंग होती है फिर, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर हमारा आता है बुकरम। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो बुकरम है वो कई तरीके मार्केट में मिलते हैं। एक बुकरम होता है कड़क, वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो जो है कपड़ों में आप नेक वगैरह में लगाते हो तो वो पहले तो बहुत अच्छा फिनिशिंग से लग जाता है, पर आप जैसे ही एक बार धोते हो उसको तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है और उसका चूरा निकलने लगता है। और ये वाला जो बुकरम है ये, इसको पेपर पेस्टिंग भी बोलते हैं, तो ये एक साइड से चिपक जाता है और बहुत ही आसानी से आप नेक वगैरह में लगा सकते हो, नेक डिज़ाइंस वगैरह में। तो एक है हमारा ये बुकरम। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे टूल्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। वैसे आजकल मार्केट में तो बहुत अलग अलग तरीके के स्केल मिलने लगे हैं, बट इससे मेरा बहुत अच्छा हो जाता है, मेरे को और किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है इन टूल के अलावा। तो फ्रेंड्स, ये टूल अगर आपके आसपास मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट कई बार होता है कि नहीं मिल पाते हैं ये हमारे टूल आसपास, तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं इनको। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़े, बट आपको घर बैठे ही हाथों हाथ ये मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।